उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों नूं लै के दूजी विशेष रेलगड्डी पटियाला के रेलवे स्टेशन तो रवाना हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की विशेष पहलकदमी से अपनी घर वापसी के चाहवान यूपी के जौनपुर जिले के 1200 के करीब प्रवासी मजदूरों नूं लै के जा रही इस गड्डी विच सवारां ने भी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का विशेष धन्यवाद किया। मेरा नाम मोदेश है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैं पटियाले में था, मैं मजदूर दिहाड़ी करता था। मैं लॉकडाउन के कारण यहाँ फंस गया था। हमें पंजाब सरकार ने फ्री टिकट दे के खाना पानी दे के यहाँ से भेज रही है। मैं तो ये कहूँगा कि लॉकडाउन से परेशान थे और अभी इस टाइम हम यूपी जा रहे हैं। सरकार के हम धन्यवाद करते हैं कि जो बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो आप ट्रेन चला दिए हैं और बहुत मेहरबानी है कि जो हम अपनी यूपी जा सकते हैं। कोई आपको टिकट या खाने का कोई दिक्कत तो नहीं? खाने पीने कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत व्यवस्था हम लोग के लिए बहुत आप लोग करे हैं कि जो हमको यहाँ रोटी पानी के हर एक चीज़ के लिए सुविधा बहुत कुछ मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम अस नारायण है, मैं पटियाले ज़िले से जा रहा हूँ सुल्तानपुर के जा रहा हूँ। सुल्तानपुर जा रहे हैं? हाँ जी। और नासा पिंड में बैंक का काम करता हूँ। आपको जो टिकट वगैरह? हाँ, टिकट वगैरह सब हमारे मुख्यमंत्री जी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी खाना भी मिला है तो उनके तरफ से। और आप वापस कब आओगे? वापस लॉकडाउन खुल जाएगा फिर आ जाएंगे। फिर आएंगे? हाँ जी। तो अपने घर जा रहे हैं? हाँ। ठीक है। कोई किसी ने आपको टिकट के पैसे तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। खाना वगैरह मिला? हाँ जी। ठीक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ते बिहार के 1200 के करीब मजदूरों बठिंडा तो भी विशेष रेलगड्डी राही रवाना किया गया। इस रेलगड्डी कांग्रेस के विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हरी झंडी दे के रवाना किया। इस मौके प्रवासी मजदूरों लिए रोटी का भी प्रबंध किया गया, परंतु प्रवासी मजदूरों ने रोटी का निरादर करदिया रेलवे ट्रैक से ही रोटियां सुट दित्तियां, जिसका प्रबंधकों में काफ़ी रोस देखने को मिलिया। जिथे भी कोई प्रवासी मजदूर हैं बाहरले सूबे तो लोग काम करते हैं, उन्होंने आपके आपके घर पहुंचाने वास्ते कांग्रेस पार्टी सारे का सारा खर्चा करेगी। जिथे जिथे सूबा सरकार है उथे उथे कांग्रेस पार्टी खर्चा करेगी, जिथे जिथे सूबा सरकार नहीं उत्थे भी कांग्रेस पार्टी के जिहड़े साडे प्रधान जां पार्टी योगदान पा के उन्हां लोगां दा किराया भर के उन्हां ट्रेन दा उन्हां बसां दा ते हिंदुस्तान दे जिथों जिथों दे प्रवासी मजदूर होणगे उन्हां नूं घरे तक घर तक पहुंचाउण दा काम करेगा। नाल ही नाल मैं दसना चाहुंदा सुधीर जाखड़ जी का मैं धन्नवाद करना चाहुंदा, साडे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान का। उन्होंने आदेशों के सदका अज असी सारी समुची टीम इतने इस ट्रेन को रवाना करने वास्ते आए हैं। ये ट्रेन 11 बजे मुजफ्फरपुर बिहार लिए रवाना हो रही है, जिले 1388 साडे जिहड़े भरा प्रवासी मजदूर हैं वो इहदे विच है। इहदे उत्ते 7,21,000 रुपए का जिहड़ा खर्च है वो पंजाब सरकार यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जी सोनिया गांधी जी के आदेशों के सदका वो खर्चा भरिया है। तकरीबन मेरा ख्याल 600 रुपया एक बंदे की जी लागत आई है टिकट की, और ना केवल कली टिकट, इन्हों खाण वास्ते पैकेज मेरे भरावों वास्ते होर बिस्कुट वगैरह पानी की बोतल सारिया जड़िया इन्होंने घर तक पहुँच तक जरूरी वस्तुओं का इंतजाम आज किया गया। असं परमात्मा अगर अरदास करते हैं कि इन्हों यात्रा वधिया रवे, परमात्मा इन्होंने चढ़ती कला च रखे, इन्हों की सेहत तंदुरुस्त रवे, तो दोबारा फिर पंजाब मुड़ के आपके घर आपके परिवार को मिलकर दोबारा फिर आन। रोशन चौधरी कहाँ से रहने वाले? बिहार के। आप कहाँ चले हो? भागलपुर जिला पड़ता है। क्यों चले हो, क्या कारण है?
काम धंधा नहीं है, काम कुछ नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है, इसीलिए वजह जा रहे हैं। इधर दिक्कत ही खाने पीने की? जी सर, खाने पीने तो सरकार दे रही थी, कि सर किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं भी मिल दे रहा था, सरकार तो दे रहा था पर किसी के पास नहीं पहुंच रहा था, इसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। मैं तो सर मार्च में आया था, 10 मार्च। बिहार से बका जिला, कन्हैय कुमार, इधर मजदूरी करता था सर। इधर मेरे को इधर 2 महीना हो गया है सर, गांव से। क्या पूछ रहा है? फिर आऊँगा सर, इधर मरा मट्टा खाने वाने की दिक्कत होने लगा, काम धंधा नहीं चलने लगा, इसलिए जा रहा हूँ सर, फिर आ जाऊँगा 1 महीना 1.5 महीने रह के। इधर आ जा, मिलता था सर मरा मट्टा मिलता था सर, फिर घर में मम्मी पापा हरिया जा गया यार, इसी वास्ते जा रहा हूँ कि सभी हो जाता है ना, जुआ के वास्ते सभी हरियाता है, इसी वास्ते मम्मी डैडी के पास छोड़ना नहीं चाहता ना, फिर आ जाएगा बस महीने दिन के बाद फिर गड्डी चलेगा फिर आपस, क्योंकि पिंड में तो जी नहीं लगता, इतने नहीं बोलूँगा। नाम रमन चौधरी है, मैं रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। आप कहाँ से आए? मैं गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी से आ रहा हूँ। आप क्या वापस क्यों चले? क्या पाजी वापस क्यों चलेंगे? हो गए, सितंबर में आया था पाजी वहाँ पर। क्या कारण है कि आप वापस चले होंगे? पाजी यहाँ तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम था कि थोड़ा सा घर पर परिवार भी इंतजार कर रहा था, बोला कि नहीं बहुत दिन हो भी गया, थोड़ा सा घर पर आना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए जा रहे हैं। ऐसा गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर LNT है वहाँ पर वो हम लोगों को दिक्कत नहीं कभी किया। ट्रेन जिले तो तोरी गई है, अब कितने करोड़ वास्ते काफ़ी लंगर जिला है, लाइन तो छुट्टा पै गया इस बार। ये बड़ी दुख वाली गल है जी, देखो इतने लोगों वालों जोड़ा इतने रोटी का प्रबंध प्रशासन वालों किया गया सी इन्हों का, ये जोड़े सैकड़े लोग इतने रोटी का निरादर करके गए है, बड़ा गलत जहा फील हो रहा सानू, जोड़ा ये लंगर हैगा तो रोटी हैगी यदि सानू कदर करनी चाहिए हैगी है, तो बड़ा दुख हो रहा है भी इतने घट्टो घट 200-300 पैकेट जोड़ा इन्होंने सुट रखा है, रोटियां सारिया इतने लोगों को खाने नहीं मिलती भी एड्डी वड्डी समस्या के, जे इन्हों को प्रबंध किया गया तो इन्हों इतने जड़ियाँ ये रोटियां सुट के बड़ा इतने मन साढ़े ठेस पहुँची हैगी है, जिहड़ी अजे प्रवासी मजदूर जिहड़ी अजे ट्रेन गई है उन्होंने विचों कुछ जिहड़े इत्थे लोग सुट के गए है। हाँ सर, यह भी एक बड़ी मतलब सोचने वाली गल सी, एक पास तो कह रहे थे भी सानू इत्थे खाना नहीं मिलिया, तो दूसरे पास जिहड़ा ये खाना अज दिता गया इन्ना वधिया, इन्हां नूं मिनरल वाटर दीआं बोतलां भी दित्तियां गईआं, नाल बिस्कुट के पैकेट सीगे बंद, चिप्स के पैकेट सीगे, बड़ा वधिया प्रबंध किया गया सी प्रशासन वल्लों, लेकिन फिर भी जिहड़ा इत्थे फूड का जिहड़ा खाने का निरादर करके गए हैगे है, तो दूसरे पासों ये गल कह रहे हैं भी सानू इत्थे खाना नहीं मिलता, असीं भुखे रहिंदे हैगे है, तो बठिंडा विच ये चीज़ तो नहीं हैगी भी कोई भुखे रह रहे हैगे है, तो असीं कह सकते हैं भी शायद इन्हों चीज़ों की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं रही।